सब्सक्राइब नाउ। सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा BSc सेकेंड सेमेस्टर वालों का। ठीक है, ये रहने वाला है BSc सेकेंड सेमेस्टर। जो भी बच्चे हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से कोर्स कर रहे हैं या फिर उसके एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, तो उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और PDF आपको अगर चाहिए तो PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इन द YouTube डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप इसकी PDF। तो जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, वीडियो शुरू करने से पहले तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको वैसे ही काम करना है, और वो है चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को करना है थोड़ा सा लाइक। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी जो भी करेंगे हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, जो 2022 के अंदर क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है बच्चों के, तो उनका ये क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 के अंदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम BSc की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, मैंने बता दिया आपको। और ये है हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखें इसके अंदर तो आपको 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर आया होता है। ये मैक्सिमम 80 मार्क्स होते हैं, और मिनिमम आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं 32, मतलब जो आपको पास होने के लिए होते हैं 32, उससे आप अच्छे जितने मर्जी लाओ वो आपके लिए अच्छा है। पेपर का अगर टाइटल की बात करें तो वो है केमिकल एनर्जेटिक्स इक्विवेरा एंड फंक्शनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कोर्स कोड की बात करें तो आप दे सकते हो 1CHM TC0201। आपके पास जो टाइम होता है इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए वो होता है 2.5 घंटे का टाइम। ठीक है, और उसी हिसाब से आप अटैम्प्ट करें। पेपर आपको सबको पता है, पैटर्न तो आप सभी को पता ही है कि पैटर्न जो है वो हमारा पेपर जो डिवाइडेड होता है टू सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए से होता क्या है कि यहाँ से सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आए होते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है, उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए होते हैं आपको। ठीक है, 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए होते हैं जिसमें से आपको सभी के सभी करने हैं। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, ये हमसे कहता है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते हैं, और आपको कोई 2 एग्जांपल बतानी है 2 मार्क्स का है, उसी हिसाब से 2 एग्जांपलें दे दो अच्छी अच्छी और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो कि है क्या ये हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर आपको जो है वो सेकंड कहते हैं कि स्टेट करना है आपको, हेस ला जो था उसको आपने डिफाइन करना है, स्टेट करना है कि क्या कहता है वो, 2 मार्क्स का है। उसके बाद कहता है जो थर्ड पार्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको आयनिक प्रोडक्ट क्या है एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्या अंतर है। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ, जो हमारा किर्चॉफ से इक्वेशन थी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको देनी है, तो ये भी हमारा 2 मार्क्स का है। उसके बाद अगर हम नीचे चले जाएँ तो नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है AG, ये ∆G एंड ∆G- होगा ये। ठीक है, इसमें क्या फर्क है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये है हमारा हाउ डज एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, तो जो एसीटोन है वो कैसे रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से, ये मैं लिख देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। ये एसीटोन है, ठीक है, ACETONE, तो आगे लिखा है उसके रिएक्ट कैसे करता है ये विद क्लोरोफॉर्म के साथ, कैसे रिएक्ट करता है ये आपको बता देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहता है कि जो बेंजीन है, हाउ इज़ बेंजीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, तो फिनोल से कैसे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है, ये हमारा 7th पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 8th जो पार्ट है वो कहता है व्हाट इज़ बफर कैपेसिटी, क्या होती है इसको आपको बताना है। और यहाँ से जो भी हमारे नीचे इसके पार्ट है ना, ये सारे के सारे 1 मार्क्स के ईच हैं। उसके बाद कहता है गिव 1 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, तो आपको बताना है कि एल्कीन से कैसे जो है वो हम एल्काइल हैलाइड को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको इसीलिए। फिर उसके बाद जो 10th पार्ट है ये कहता है एब्सोल्यूट एनट्रॉपी क्या होती है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स की, आपको 2 एग्जांपल बतानी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी सेक्शन 1 पार्ट A यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे कंप्लीट पार्ट्स, इसके अंदर 1 और 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन हमने देखे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन बी आ जाती है हमारी। सेक्शन बी से क्या होता है आप सबको पता है कि यहाँ से हमें आपको देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 2nd से, यूनिट नंबर 3rd से,
यूनिट नंबर फोर्थ एंड यूनिट नंबर फिफ्थ से क्वेश्चंस, जिसमें क्या होता है कि हर यूनिट से दो क्वेश्चन आए होते हैं, आपको कोई वन अटेम्प्ट करना होता है फ्रॉम ईच यूनिट, और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है इक्वल मार्क्स, ठीक है, ये आप सबको पता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों के दोनों हमारे सेकंड यूनिट से आए हुए हैं। आगे फर्दर डिवाइडेड है ए पार्ट बी पार्ट के अंदर, ए पार्ट कैरी कर रहा है हमारे 12 मार्क्स, बी पार्ट कर रहा है 4 मार्क्स, ये आपको पता है। डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करो, और कहता है कि हाउ डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी विद टेम्परेचर, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, और आपको डिराइव करना है वेंट्स हॉफ इक्वेशन जो है ये आपको डिराइव करनी है। फिर आपको नोट लिखना है कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इसको आपको इसके ऊपर नोट लिखना है, 4 मार्क्स का ही है, उस हिसाब से लिखो। फिर इसी के साथ हमारी चॉइस आती है, चॉइस के अंदर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, एग्जांपलें बतानी है आपको एसिडिक एंड बेसिक बफर की, और डिस्कस करना है बफर एक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर, तो इनका जो बफर एक्शन है एसिडिक और बेसिक बफर का वो क्या है उसको डिस्कस करो, और एग्जांपलें भी देनी है आपको, और बफर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हो, ये 12 मार्क्स का है। इसके साथ इसका बी पार्ट हमसे कहता है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन के सी के पी एंड के एक्स, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी बुक पे होगा अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है तो, ठीक है, तो ये आई थिंक के ई है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कहता है ए पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको करना है एस एन वन एंड एस एन टू रिएक्शंस, डिस्कस द फैक्टर्स फेवरिंग एस एन टू रिएक्शंस, ठीक है, तो ये आपको बता देना है। उसके साथ इसका बी पार्ट हमसे कहता है हाउ इज इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर फ्राम इथीन एंड इथनोल, तो जो हमारा इथाइल क्लोराइड है इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इथीन से और इथनोल से। उसके बाद हमारी इसके साथ चॉइस आती है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हमसे कहते हैं व्हाट आर बेंजीन्स क्या होते हैं, ठीक है, बेंजीन्स है ये, बेंजीन्स प्रिपेयर एनिलाइन फ्राम क्लोरोबेंजीन इन्वॉल्विंग द इंटरमीडिएसी ऑफ बेंजीन, गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ बेंजीन मैकेनिज्म, तो आपको एविडेंस भी बताने हैं कि हाँ ये बेंजीन का मैकेनिज्म है, और बेंजीन से आप क्या समझते हो, आपको एनिलाइन को जो है वो प्रिपेयर करना है किससे, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका बी पार्ट की बात करें तो वो हमसे कहते हैं कि हाउ इज एरिल हैलाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल एंड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इससे कैसे प्रिपेयर किया जाता है एराइल हैलाइड को, किससे, फिनोल और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमसे कहता है राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म, आपको उनका मैकेनिज्म भी बताना है और इन रिएक्शन को भी आपने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कहता है कि जो हमारा हाउबन होस्ट कंडेंसेशन रिमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपको बतानी है, ये 12 मार्क्स का है। उसके बाद कहता है हाउ इज फिनोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम कुमीन, ठीक है, सी यू एम ई एन, ये 4 मार्क्स का है हमारा। उसके बाद इसके साथ ही चॉइस आती है हमारी, चॉइस के अंदर अगर देखोगे तो सेवन्थ क्वेश्चन हमसे कहता है ए पार्ट राइट ए नोट, लिखना है आपको फॉलोइंग रिएक्शन लॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म आपको बताना है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन मैरिवीन पेंड्रोफ वेरिली रिडक्शन, ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी आपने लिखना है और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी आपको लिखना है, ये 12 मार्क्स का है। उसके साथ इसका बी पार्ट की अगर बात करें तो वो कहता है हमारा कि व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है हमारा, ये 4 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें एट्थ क्वेश्चन, तो ए पार्ट ये लास्ट फिफ्थ यूनिट से आया हुआ है, जिसके अंदर हमसे कहता है कि आपको नोट लिखना है फॉलोइंग रिएक्शन लॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म। देखो पेपर के अंदर रिएक्शन अगर हम बात करें तो 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन को लिखो और उसके मैकेनिज्म को, जैसे हमारा अगर हम बात करें तो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये आप सबको पता है, आपके सिलेबस में है। उसके बाद कहता है बी पार्ट हाउ डज जो हमारी पायरीडीन रिएक्ट विद सोडामाइड एट 373 केल्विन, तो कैसे जो है वो पायरीडीन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडामाइड के साथ एट 373 केल्विन पे, तो ये 4 मार्क्स का है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मिस हो गया है क्योंकि वो पेज जो है वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो गया था। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, जो कि आई होप कि ये भी आपके लिए सफिशिएंट है, इसके इससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा जनरल सा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था केमिस्ट्री का वहाँ पे आए थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही हो, काम आई, तो अगर ये आपको लगता है कि आपके हेल्पफुल रही है आपके लिए वीडियो, तो बस आपको एक चीज़ करनी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है।
और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक आप हेल्प ज़रूर पहुँचाऊँ। एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। Do subscribe, share, and don't forget to like. Press the bell icon.